जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मार्केट क्लोज हो गया है और आज तो निफ्टी ने मुझे सरप्राइज किया है, आई मस्ट से, कि वो क्लोज किया उसने 9475 के ऊपर। बहुत बड़ी क्लोजिंग है ये, बहुत बड़ी। अब आता हूँ मैं अपने एनालिसिस पे कि आज पहली बार मुझे लगा कि निफ्टी ने मुझे रॉन्ग किया है, बाकी कहीं रॉन्ग नहीं हूँ मैं। बैंक निफ्टी तो बहुत वीक है, अभी मैं प्रूव करूँगा, लेकिन निफ्टी ने मुझे समाउ रॉन्ग किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ भी हो जाए ये क्लोज जो है, जैसे आज हाई बनाया इसने 9495 का, तो आज इसकी क्लोजिंग तो मुझे लगता कि 9475 के ऊपर ही आएगी, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2:46 PM के वीडियो में बोला था कि इसके ऊपर आएगी तो कुछ मामला अलग है। ठीक है, ये मैंने ऐसा बोला था आपको, और क्लोजिंग आ चुकी है, मुझे लगता है 9490। बहुत बड़ी क्लोजिंग है ये, और अगर आप चेक करो तो बिल्कुल हाई के आसपास क्लोजिंग है। आज की हाई जो है बिल्कुल हाई और क्लोज बिल्कुल सेम है, सिर्फ 21 पॉइंट का फर्क है। और अगर बैंक निफ्टी में देखें हम, तो बैंक निफ्टी में आप देखो कितना बड़ा हाई है, 19455, और ये लागू इस पे भी होता है। आपको एक नियम मेरा याद होगा, आपको एक नियम मैंने सिखाया था कि जब भी अगर बहुत बड़ी ड्रास्टिक फॉल हो, पूरे दिन अगर बैंक निफ्टी गिरता है, तो लास्ट में अगर वो अपने लो से 120 पॉइंट ऊपर क्लोज करता है, तो कहीं ना कहीं उस दिन का जो गिरावट है वो फेक होती है, मतलब अगले दिन पक्का बढ़ता है बैंक निफ्टी। ये मैंने आप लोग को सिखाया था। आज मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ, आज पूरे दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर ही थे, कोई मौका तो दिया नहीं। तो 455 का हाई बना के अगर इससे 300 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वीकनेस क्लियर कट दिख रही है। अब मेरा इस पॉइंट पे मैं एग्री करता हूँ कि मैं आज निफ्टी में, मैंने बिल्कुल सोचा था कि ये 9475 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। वो सारे रीज़न मैं अभी समझाता हूँ, बाकी मैं शाम को एक बहुत ज़ोरदार वीडियो बनाऊँगा। आज शाम को बहुत इंतज़ार करेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो कभी सुनी नहीं होंगी वो सिखाऊंगा मैं आज आपको। तो निफ्टी तो कहीं ना कहीं मुझे आउट परफॉर्म किया, आज मुझे आउटराइट किया, क्योंकि इसने हाई बनाया 9490 का, और क्लोजिंग ये क्या आ रहा है भाई, चलो देखता हूँ मैं, क्लोजिंग ही देखता हूँ सिर्फ, इसके चक्कर में जाता ही नहीं है। हाँ, 9490 और 19169। चलिए अब हम लोग सीधे चार्ट पे जाते हैं और उसकी पूरी बात करते हैं। अब आपको मैं कुछ स्टॉक के भी झलकी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा कंसिस्टेंट है PSU बैंक में, SBI, तो आप देख सकते हो ये माइनस में बंद हुआ है 0.94, एक पॉइंट। इंडसइंड भी बैंक निफ्टी का पार्ट है, इसने पूरे गेंस खो दिए सुबह के, सुबह ये गेंस में था, 405 रुपये का हाई था इसका। ठीक है, मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, 383 पे लास्ट ट्रेड है, ये मैंने सेल कॉल भी दिया था आपको याद होगा। अब और बैंक निफ्टी का और कोई आइटम देखते हैं, HDFC बैंक, ये बिल्कुल टॉप पे बंद हुआ भैया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बैंक निफ्टी को बचा के रखने के लिए कल। और बैंक निफ्टी का एक्सिस बैंक, इसमें क्या हुआ, इसने भी आप देखो 406 का हाई बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं कल की क्लोजिंग से तो ऊपर क्लोज किया, तो इसको मैं ख़राब नहीं बोलूँगा। इंडसइंड बैंक, SBI, ये दोनों ने वीकनेस शो की है, ये दोनों भी बैंक निफ्टी के पार्ट। अभी हम लोग खाली चर्चा कर रहे हैं कि हुआ क्या आज मार्केट में। ठीक है, तो अब देखते हैं चार्ट पे भी, तो आज आपको कुछ चीज़ें नई सीखने मिलेगी, उसमें से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टू बी वेरी फ्रैंक, भुवनेश्वर ट्रेडिंग में मिस्टर नायक, नाम भूल गया मैं उनका, सॉरी सर, आपका नाम भूल गया, क्या नाम था, कमल नायक, वो मेरे एक स्टूडेंट थे, आए थे, तो उन्होंने मुझे RSI का एक जिक्र किया था कि वो RSI को हमेशा पैरामीटर्स में 2 लगाते हैं। उन्होंने बोला सर मैं ऐसे करता हूँ, 2 लगाता हूँ इस पर 14 की जगह डेली चार्ट पे, और जब ये 9800 के आसपास आ जाए तो मैं उस स्टॉक को या इंडेक्स को शॉर्ट कर देता हूँ। तो मैं इस पर, मैंने रिसर्च करके मैंने इस पर 3 किया अपनी रिसर्च से, लेकिन मैं पहली बार किसी से सीखा हूँ ये चीज़ कि उन्होंने टू फास्ट करने के लिए RSI को, क्योंकि अभी
आप अगर 14 दिन के चक्कर में रहे तो मार्केट बहुत आपको उल्टा फुल्टा कर देगा। अभी पिछले 2 दिन में बड़ी मूव आई है तो अभी आपको टू ज़्यादा बेटर बताएगा कि एक्चुअल में ये ओवरबॉट हो गया कि नहीं निफ्टी। तो हम अभी निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो RSI 2 डेज का क्या बता रहा है, 96। लेकिन इसका मतलब क्या है, 96 आ गया तो ये क्या टूट जाएगा? नहीं, ये 100 भी जाता है दोस्तों, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये 100 भी छूता। लेकिन वहाँ पे आप 98 99 पे आपका शॉर्ट जो है बहुत सेफ हो जाता है। ये आपको आज नई चीज़ सिखा देता हूँ मैं। अगर 2 दिन से मार्केट बढ़ रहा है जैसा हुआ अभी निफ्टी में, और अगर हम इसको 3 डेज भी कर लें, और 3 डेज अगर 94 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में अब ज़्यादा जगह नहीं बचती। तो 3 डेज अभी इसका 89 ही है, तो इसका मतलब कल निफ्टी एक बार तो राइज देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा आपको बता रहा हूँ इसने क्या किया, इसने आज अपने 50 EMA के ऊपर क्लोज किया। बहुत बड़ी क्लोजिंग होती है ये, बहुत बड़ी। ऐसे मार्केट में इसने आपको, मैं थोड़ा सा पहले निफ्टी की चर्चा करता हूँ, फिर मैं बैंक निफ्टी की वीकनेस के बारे में चर्चा करता हूँ। आज ये चर्चा का विषय है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इसने आज पर्सनली आज मुझे फेल किया कि 9475 के ऊपर इसने क्लोज किया, और वो 9475 मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था वो तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए इसका 5 EMA 9252 है। अब इसमें एक चीज़ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई, इसकी 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस कर लिया। देखिए आप सुबह हम लोग देख रहे थे तो इसकी 10 EMA 20 EMA से कम थी, अब आप इसकी 10 EMA देखिए 9189। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो गया निफ्टी के लिए, बहुत बड़ा। जब भी 10 दिन की EMA 20 EMA के ऊपर आ जाती है तो सिग्नल बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। लेकिन इसको नेक्स्ट 2 दिन देखना ज़रूरी रहता है कि 2 दिन ये मेंटेन कर पाता कि नहीं। तो कल अगर ये कहीं फिसल गया वापस, तो इसके नीचे अगर आ गया तो ये फेक मूव था आज वाला, ठीक है। ये आपको टेक्निक सिखाता हूँ कैसे फेक मूव पकड़ना है। लेकिन अगर कल भी ये मेंटेन करता है 10 EMA को 20 EMA के ऊपर, देखिए 5 तो इसका काफ़ी ऊपर है, 9252 है जो कि 10 से काफ़ी ऊपर है, लगभग आप बोल सकते हो 60 62 पॉइंट ऊपर है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि एकदम शॉर्ट टर्म में, मतलब 2 4 दिन के लिए तो तेज़ी दिखाई रहा है निफ्टी। लेकिन 10 और 20 जब हो जाता है तो एक कन्वर्सन हो जाता है तेज़ी की तरफ, घोड़ा बहुत बड़ी तेज़ी भी ला सकता है। तो ये लाने के लिए इसको 10 को 20 से ऊपर आना था जो आ गया, अब ये कल टिकता कि नहीं। और दूसरा, आज इसने आज एक ही दिन में बहुत सारे अचीवमेंट कर लिए इसने, जैसे आज इसने 50 EMA को भी ऊपर क्लोज कर दिया मार्केट को, एक्सपायरी के दिन 50 EMA के ऊपर भी क्लोज कर दिया, जो कि सपना लग रहा था कल की डेट में। कोई नहीं सोचा होगा कि आज हम 9450 के भी ऊपर क्लोजिंग देखेंगे, बहुत कम लोगों ने सोचा होगा, सोचा नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहा। तो आप देखो आज इसने कई अचीवमेंट किए, एक तो 10 EMA को 20 EMA के ऊपर ले आया जो कि काफ़ी दिन से नीचे चल रही थी, ये तो ठीक है 5 वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 के ऊपर भी क्लोज कर दिया, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन क्या कैंडल इतनी कन्विंसिंग है? आप देखो कैंडल तो ऐसा लगता है छोटी सी मुन्ना, छोटा सा मुन्ना ही, छोटे से मुन्ने से तुम 50 EMA को भी तोड़ के ऊपर क्लोज हो गए। तो पहले भी जब इसने मंदी दिखाई थी तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी स्टडी का लेवल देखिएगा, तो उस दिन भी जब 9889 बनाया तो उसने भी छोटा सा मुन्ना बनाया था। देखिए ये था ना छोटा सा मुन्ना 9889 फ्राइडे के दिन, याद आया होगा आपको, ये छोटा सा मुन्ना बना था। उसमें भी आपको देखो, आप उसकी और सिमिलरिटी मिलाता हूँ, उस दिन का जो लो था 9753 था और ओपनिंग था 9731 का लो था, आप ऊपर देख लीजिएगा मैं दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा इस तरह की गहराई से स्टडी भी देख लीजिएगा। आज उस दिन की ओपनिंग थी 9731 का लो बनाया और 9889 का हाई बना के 9860 पे क्लोज किया, लगभग हाई के आसपास, ठीक है। तो आज की कहानी भी देख लेते हैं, आज भी इसने 9364 का लो बनाया, हाई ओपन किया ठीक उसी दिन की तरह, और 9336 का लो बनाया, तो लगभग ओपनिंग और लो बराबर से रहे, और हाई बनाया 9511 का और क्लोज किया 9490 का। तो क्या ये वही रिपीटेशन है जो 9818 दिन वाले दिन किया इसने, और अगले दिन बड़ा गैप डाउन खोल दिया? थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वापस से मैं आपको समझाता हूँ, मैं खैर सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ क्लोजिंग अच्छी नहीं आई है, क्लोजिंग अच्छी आई है, लेकिन कुछ डाउट्स मेरे मन में आ गए हैं तो मैं लेता हूँ। देखिए ये 30 4 का 30
अप्रैल, जिस दिन मंथली एक्सपायरी हुई थी अप्रैल की, और उस दिन ये 9753 पे ओपन किया, और इसने लो कितना बनाया 9731 का, जितना ओपन किया उससे खाली 22 पॉइंट नीचे का लो बनाया, ठीक है। लेकिन लो से जो हाई बनाया उसने, ध्यान दीजिएगा, लो से जो हाई बनाया वो 9889 का बनाया, तो कहीं ना कहीं 158 पॉइंट ऊपर हाई बनाया लो से, और क्लोज भी किया 9860 पे, तो 130 पॉइंट ऊपर क्लोज किया लो से। आज की कहानी भी देखते हैं, आज इसने 9364 का ओपन किया, और ओपन से जो लो बनाया 9336 का, वो भी कहीं ना कहीं 25 पॉइंट नीचे का ही लो है, और आज इसने हाई बनाया 9511 का। तो आप देखो 9336 का लो से अगर 9511, तो 160, 160, 61, 170 पॉइंट का हाई बनाया, ठीक उसी दिन की स्टोरी है। और जो क्लोज किया बिल्कुल हाई के आसपास किया, 20 पॉइंट नीचे। तो क्या ये आज का मूव बड़ा फेक मूव है, जिसने एक ही दिन में कई कीर्तिमान कर दिए? कीर्तिमान नंबर वन, 50 EMA के ऊपर क्लोज किया, डेली की 50 EMA, डेली की 50 EMA, कीर्तिमान नंबर वन डेली की 50 EMA के ऊपर क्लोज किया। कीर्तिमान नंबर टू, 9889 माइनस 8806 जो रिसेंट लो है, उसका 61.8% अगर आप निकालो, क्योंकि टोटल होता है 1083 पॉइंट्स, उसका 61.8% निकाल लो, तो उसको अगर आप 8806 में ऐड कर दो तो वो आता है 9475, उसके भी ऊपर क्लोज कर दिया कीर्तिमान नंबर दो, यानी कि 61.8% के ऊपर क्लोज किया, जो रिसेंट हाई से रिसेंट लो का डिफरेंस था, ठीक है। तो कीर्तिमान नंबर दो। कीर्तिमान नंबर तीन, निफ्टी ने आज कई कीर्तिमान किए। कीर्तिमान नंबर तीन, 10 EMA ने बहुत दिनों के बाद 20 EMA को आज क्रॉस कर दिया। इसको मैं बहुत पॉजिटिव मानता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे मैं इसको हमेशा चेक करता हूँ कि अगले दिन भी ये क्लोजिंग तक इसको रख पाता कि नहीं ऊपर 20 वाले से। तो अभी तो बहुत नज़दीक का मामला, आप देखिए 10 पॉइंट का डिफरेंस है। कल जहाँ 200 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो ये काफ़ी नीचे आ जाएगा, समझ में आया आपको? तो ये तीन तीन कीर्तिमान किया, तो मैं निफ्टी के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैंने जो वो कमल दा ने मुझे सिखाया था RSI 2, तो वो भी ये बोल रहा है अगर ये कल बढ़ता भी है तो इसके पास 100 से 150 पॉइंट से ज़्यादा जगह ही नहीं है बढ़ने की, क्योंकि इसकी RSI जो 2 दिन की है वो कहीं ना कहीं 96 तक आ गई है, आप देख सकते हो 2 दिन की RSI 96 आ गई है। तो इसके पास बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी 100 पॉइंट का मैं दायरा दे सकता हूँ, 100 से 150 पॉइंट एक बार उल्लू बनाने के लिए बढ़ सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबूजी कैंडल वैसे ही बनाए हैं जैसे उस दिन धोखा दिया था हमको। अब बिल्कुल मिला लीजिए ये कैंडल और ये कैंडल, बिल्कुल उस दिन भी आप देखो एक गैप अप से खुला था वो, ये गैप अप, आज भी एक गैप है, देखिए आप दोनों में। कल की क्लोजिंग को आप देखें 9314, आज का लो कितना है 9336, ठीक है। तो हालांकि ये बड़े गैप से खुला था उस दिन, तो इसका मतलब कल ये थोड़ा सा एक और नया हाई बनाएगा 9650 तक का, लेकिन इसको ठोकना ही है, ठीक है। तो मैं आपको इतना वादा कर सकता हूँ, मेरे को जो लग रहा है कि मार्केट 8806 को इसी जून के 10 से 15 दिन में तोड़ देगा, 15 दिन में, ठीक है। ये हो गया मेरा निफ्टी का, लेकिन मैं आज निफ्टी को शॉर्ट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसने मेरी जो मैंने आपको 2:46 पे वीडियो बना दिया था कि भैया इसके ऊपर क्लोज करता तो बिल्कुल नहीं शॉर्ट। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी महाराज पे, तो बस खाली चर्चा हो रही है और कुछ नहीं है, शाम को वीडियो भी बनेगा और फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी सिखाऊंगा आपको। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी का भी हमने 2 दिन का RSI भी लगा दिया, तो वो भी 94 आ गया 2 दिन का RSI, लेकिन उसका तो 96 आ गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में आप देखिए इसने क्या किया आज EMA के हिसाब से, इसकी 5 EMA भी 10 EMA के इतनी दूर नहीं पहुंची, आप देखो ठीक से, इसकी 5 दिन की EMA भी 10 EMA के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, 68 और 89, तो इसमें तो तेज़ी का संभावना ही नहीं है, इसको तो जिसकी ताकत है उतना ठोक देना कल, ठीक है। अगर भूल से भी 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर मिल जाए ना, पूरी ताकत के साथ इसको शॉर्ट कर देना, मैं खुला यूट्यूब पे ऐलान कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, और अगर कोई भाई ऐसा सरकार ने PSU बैंक के लिए कुछ 2-1 लाख करोड़ का पैकेज ला दिया,
तब ये व्यू वैलिड नहीं है भैया, मैं पहले से बता देता हूँ। उसके अलावा देखो 10 EMA आज भी 20 EMA से काफ़ी नीचे है। अब देखो बैंक निफ्टी में 20 EMA की वैल्यू 18757, कहीं ना कहीं 400 पॉइंट नीचे है, बहुत बुरी मंदी आएगी इसमें। इसको 16,000 को भी अब बचाना इसका लगभग नामुमकिन है। लगभग जो 16,000 इसने 24 तारीख को बनाया था, 24 मार्च को, मुझे 100 में से 95% कन्फर्म है कि ये जून में ही तोड़ेगा इसको, ठीक है। क्योंकि इतनी 2 दिन की तेजी कर लिया इसने, 2 दिन में आप देखो कितना पॉइंट तेजी कर लिया। अगर हम 2 दिन पहले की क्लोजिंग देखें तो इसकी क्लोजिंग थी 17,400 और आज इसने बना दिया नया 19,500। 2,000 पॉइंट की तेजी आने के बावजूद अगर इसका 10 EMA 400 पॉइंट का डिफरेंस से खड़ा है 20 EMA से, तो इसके अंदर कितनी बड़ी वीकनेस आपको समझ में आ रही है। अब इसको कौन बचा सकता है कि भैया आज रात को गवर्नमेंट ने कोई पैकेज दे दिया कि हमने PSU बैंक को 1,00,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं उनके और सारे घाटे से उबरने के लिए, या बैंकों को दे रहे हैं, तो अलग बात है, ठीक है। वरना इसको तो खुद भोलेनाथ आ जाए तो मैं मानू नहीं कि इसको शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। और इसकी 5 EMA और 10 EMA में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जहाँ 500 पॉइंट गिरा ये भी नीचे आ जाएगा इससे, इसमें तो दम ही नहीं है, ठीक है। नीचे से ओवरसोल्ड था, वहाँ से मैं बहुत तेज़ी तेज़ी बोल रहा था तो बिल्कुल आया 2 दिन तेज़ी में, और मैंने आज मंदी बोला इसमें 19,200 के ऊपर 266 पे, आपने देखा होगा, ठीक है। तो कन्फर्म है बैंक निफ्टी ही निफ्टी को, क्योंकि देखिए मारवाड़ी में एक कहावत है मारवाड़ी में कि मोटियार अकेलो गेड़ो चोखोन लगे, अगर लुगाई सागर है तो बहुत अच्छे रहे। तो अभी निफ्टी मोटियार है, मतलब जेंट्स है, और बैंक निफ्टी लेडीज़ है, तो लेडीज़ जब साथ चलने को तैयार नहीं है ऊपर तो जेंट्स अकेला कितना दिन चलेगा। मोदी जी का एग्जांपल मत दीजिएगा भाई, मोदी जी एक अलग व्यक्तित्व है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भैया आदमी अकेला ज़्यादा दिन नहीं चल सकता जब तक उसके साथ एक लेडीज़ नहीं हो। इसलिए कहावत है कि हर मर्द की सक्सेस के पीछे एक औरत होती है। मोदी जी एंड सलमान खान आर एक्सेप्शन, दोनों ही बहुत ही पूजनीय है, मैं दोनों मेरे फेवरेट है, तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो पहले से डिस्क्लेमर दे दियो। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी तो मुझे कहीं ना कहीं, और मैं बैंक निफ्टी के अच्छे खासे पुट लेके जा रहा हूँ आज, अच्छे खासे मेरे टोटल कैपिटल बैंक निफ्टी की जून की 25 तारीख की पुट में लगा दिया मैंने, ठीक है, जो मैंने दिखाया भी था आपको। तो बैंक निफ्टी अब आ जाइए कि बैंक निफ्टी का कल क्या हो सकता है। कल ये 100-200 पॉइंट जहाँ बढ़े, 300 पॉइंट बढ़ जाए, बिंदास ठोक देना इसको, और ये ही निफ्टी को नीचे लाने का बड़ा कारण बनेगा, ठीक है। और एक पॉइंट था, क्या याद आ रहा है मुझे, तो देख लीजिए आप 10 EMA 20 EMA से, ये आपको नई चीज़ सिखा भी दिया मैंने, जिस जो नए जुड़े इस चैनल में, तो आप जब भी जब तक 10 EMA 20 EMA के ऊपर नहीं आए तब तक तेज़ी स्ट्रांग नहीं होती है, याद रखिए शॉर्ट टर्म के लिए। और उसमें भी 2 दिन आपको चेक करना चाहिए, निफ्टी आज पहली बार आया है तो कल अगर वो मेंटेन कर लेता तो मैं निफ्टी को सैल्यूट मार दूंगा, ठीक है। तो मुझे तो आज डाउ जोन्स भी रात को कुछ ना कुछ घपला होता हुआ दिख रहा है उसमें, चलिए डाउ जोन्स देख लेते कितना चल रहा है। तो वो रात को ऊपर जाके बड़ा करेक्शन देगा आज डाउ जोन्स, ये लीजिए अभी मैंने आधा घंटा पहले देखा तो 200 पॉइंट ऊपर था ये, सच बता रहा हूँ, 85 पे आ गया। तो जय श्री राम, बातें सच हो रही है। तो ओवरऑल मैं इतना बोल सकता हूँ कि बहुत सावधान रहना जून सीरीज में, अगर आपने सपने देख रहे हैं मेरी तरह 10,000 जो मैंने बोला था। तो देखिए मैं जब भी मंदी में आता हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस के बाद ही आता हूँ, वरना मैं अकेला था 17,000 जब बैंक निफ्टी 17,100 आया था तो उस दिन बोला जम के खरीदो, है ना। तो आप देख लो आज मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट अब मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपको अगर स्टॉप लॉस चाहिए तो 20,622 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए जो 50 EMA है। इसके दादाजी भी नहीं जाएंगे यहाँ पे, इसके दादाजी भी शक्ति लगा लेना तो भी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ने पैकेज दे दिया तो न्यूज़ के
न्यूज़ के सामने कोई फंडामेंटल और टेक्निकल काम नहीं करता, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसको अगर मैं छोड़ दूँ तो बैंक निफ्टी में कोई शक्ति नहीं, ठीक है। आज मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि तुमने 2 दिन में 2000 पॉइंट बढ़ गए, तुम 17400 पे क्लोज थे तुम, ठीक है, कब, बुधवार को, सॉरी मंगलवार को, कल बुधवार को तुमने 18800 दिखा दिया, आज 19500 के लगभग दिखा दिया, लेकिन फिर भी तुम न तो 10 EMA को 20 EMA के ऊपर ला पाए और न कहीं तुम अपनी 50 EMA के आसपास आ पाए खुद। ये अपनी 50 EMA से कितना दूर है अभी देखो आप, जबकि निफ्टी आज अपनी 50 EMA के ऊपर क्लोज कर दिया है, समझ में आया। तो इतनी आपको डिटेल में मैंने सिखा दिया, आज आपकी नॉलेज डेफिनेटली बढ़ी होगी। अगर बढ़ी है नॉलेज और आपको लगा कि मैंने आज के सारे सेल कॉल दिए थे और एक भी नाकामयाब नहीं रहा, आपके सामने लाइव दिया ऐसे मार्केट में, तो इसको टैलेंट ही बोलते हैं दोस्तों। और बहुत कॉन्फिडेंस से दिया कि इसको सेल मार दीजिए आप लोग, किसको, अपोलो टायर्स, वहाँ से 2.5 या 3 रुपये तो गिरा ही था, आप देख सकते हो, है ना। तो मुझे लगता कि आज मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें की, जो शायद ही किसी चैनल में कोई करता होगा, क्योंकि ये भी मेरा ही अलावा अगर कोई बंदा आपको ऐसा सुनने मिल जाए ना कि 10 वाले ने 20 को क्रॉस कर लिया वैसा, तो मेरी कॉपी की है, आप ध्यान रखिएगा। आजकल मेरी कॉपी करके कोई स्टॉक एस्टिक की भी 98 वाली कहानी बताने लग गए, लेकिन मैं उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहा है। जो इंसान काम अच्छा करे, मेरी कॉपी भी करे, अच्छी बात है, लेकिन झूठा दावा करे कि ये मेरा है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे कॉपीकैट की बात कर रहा हूँ, तो फिर मुझे गुस्सा आता है भाई, है ना। क्रेडिट तो आपको कम से कम नहीं लेना चाहिए कि ये मेरा है ना। तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। रात को धमाकेदार वीडियो आएगा, थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ, बहुत सौदे घुमाए इधर से उधर, क्योंकि आज मुझे भी नाच नचाया मार्केट ने, तो आज बहुत दिन के बाद ऊँट आया पहाड़ के नीचे, लेकिन पूरी तरह नहीं आया, इतना भी बोल सकता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।